आर्थिक तंगी के कारण फीस देने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने एक बार फिर पुनः अनूठी पहल की है। इस सत्र से विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए ब्याज फ्री सॉफ्ट लोन की सुविधा शुरू की है ताकि वो अपनी फीस का भुगतान कर सकें। ऐसे विद्यार्थी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब भी रोजगार प्राप्त करेंगे तो उन्हें अपनी लोन की राशि चुकानी होगी, जिससे भविष्य में अन्य विद्यार्थी भी लाभ उठा सकें। विश्वविद्यालय का ये कदम ऐतिहासिक है, इसका पैच ऐसे पहले कहीं सुनने व देखने को नहीं मिला है। साथ ही कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने विद्यार्थियों के लिए 1 फरवरी से दोबारा विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी है। देखिए, हमारी जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये हमेशा स्टूडेंट्स के ध्यान में रखते हुए प्रो स्टूडेंट की तरह काम करती है। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना के टाइम में तो हमने काफ़ी सारे अपने मॉब के डोनर्स और अपने यूनिवर्सिटी से भी कुछ फंड इकट्ठे किए और स्टूडेंट्स की फ़ीस माफ़ की। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक सभी पब्लिक में इसकी बात होती है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं हमें उनको भी साथ में कनेक्ट करना चाहिए। ये ना हो कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल गया और वो उसके बाद में चला जाए, उसकी नौकरी लग जाती है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन इस बात को कम करने के लिए कि भाई किस तरह उन स्टूडेंट्स का जो बेनिफिट जिनको मिला है उनको इस चक्र में जोड़ा जाए, जिससे आगे आने वाले समय में ये स्कीम बहुत बड़ी हो जाए और जो वाकई में जो नीडी स्टूडेंट है सबको मदद मिले। तो हमने ये सोचा है कि इस बार स्टूडेंट्स को हम ये फीस माफ़ी की तरह ना करें, बल्कि इसको एक तरह से सॉफ्ट लोन की तरह स्टूडेंट्स को दिया जाए। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से ले रहे हैं और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, बताते भी हैं स्टूडेंट, और वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी हम जैसी हमारी नौकरी लगेगी हमने किसी न किस तरीके से जो लोन है जो आप हमें मदद कर रहे हैं इसको रीपे करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव जो हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने और हमारे एम्प्लॉयज़ ने जो लिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आई विश कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हो उसको पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। और ये ऐसी ऐसी जो गतिविधि कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले सालों में हुई है, उससे पहले भी हुआ है, लेकिन जो इस तरह गतिविधि कर रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट्स और फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत यूजफुल होगी। विद्यार्थी कैंपस खुलने का इंतजार कर रहे हैं, सर कोई मैसेज है क्या आपने? जी देखिए, ऑलमोस्ट हमारा ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जब कैंपस, मेरे को याद है ऑलमोस्ट होली के बाद कैंपस नहीं खुला। तो 1 साल हो गया कैंपस में, ना केवल विद्यार्थी बल्कि मैं भी खुद और हमारे सब टीचर्स बेचैनी से उनको मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि कैंपस में जो लाइफ होती है स्टूडेंट्स की, जिसमें स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ते हैं, लैब्स में आते हैं और एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, वो हम सब मिस कर रहे हैं। और हमने सोचा है कि 1 फरवरी से, क्योंकि अब कोरोना का कुछ थोड़ा कंट्रोल काफ़ी हुआ है काफ़ी हद तक और जो हमारे SOPs हैं उनको हम फॉलो करते हुए 1 फरवरी से कैंपस खोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं खुलेगा, उसको फेजेज में आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा होगा आसपास तो स्कूल भी खोल रहे हैं और कॉलेज भी खोल रहे हैं, और हम भी इस यूनिवर्सिटी को 1 फरवरी से एक स्लोली धीरे धीरे करके खोलेंगे। प्रैक्टिकल्स हमारे बच्चे पहले करेंगे और ऑनलाइन क्लासेज भी चलती रहेंगी और साथ साथ इसमें कैंपस में एक एनवायरनमेंट क्लासेज का बढ़ेगा।